मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अमलदार अब्बास जी से, जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और आजकल जिस तरीके से युवा ह्यूमन राइट्स ऑनर और ऑनरेबल अमलदार अब्बास जी हैं, जो कि वर्ल्ड पीस फाउंडेशन अवार्ड ऑफ ऑनर, इटाली ग्रेट सन ऑफ इंडिया मेडल, अवार्ड ऑफ ऑनर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये। इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से युवा जो हैं आजकल भटक रहे हैं, रोज़गार नहीं है, क्या कारण है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आइए बातचीत करते हैं हम अमलदार अब्बास जी से। सर, आपको खोज खबर में स्वागत है। पहले तो मैं आपके खोज खबर को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का आपका जो खोज खबर है, ये देश के जटिल से जटिल मुद्दों के ऊपर और आम जनता के साथ लेके हर नागरिक की जो है समस्याओं का समाधान निकालने पर वो है। लेकिन मैं आपको बता चाहूँगा, जो केंद्र सरकार का जो अब की का जो बजट आया है, इसमें जो है हमें जो है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कही गई थी, वो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। और जो के जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, और जो के राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट वो 3.5 की जगह से बढ़ी गया है। और उसकी उसका कारण जो है हमारा जो के ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है, ये भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम आपके जो के खोज खबर का जो चैनल है, इससे प्रधानमंत्री अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जी से ये अनुरोध करेंगे कि नंबर एक, वो कृषि के साथ साथ उद्योग की उत्पादकता बढ़ाएं, यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। और इसके अलावा जो कॉस्ट वैल्यू है उसको डिक्रीज करने के हर संभव उपाय किए जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें आशा है कि ये जो केंद्र सरकार का जो बजट है, ये एक नई रूपरेखा और दिशा देगा। क्योंकि केंद्र सरकार का ये जो बजट जो है, ये जो है आम बजट ही नहीं है, बल्कि 2022 में जो हमारा भारत जो है आज़ादी की 75वीं जो है सालगिरह मना रहेगा। तो हम चाहते हैं कि देश जब हमारी 75वीं जो सालगिरह मनाए, हम जब आज़ादी का जो 75वां वर्ष मनाए, तो देश में जो है नंबर एक महंगाई, बेरोज़गारी और जो गरीबी है, ये जटिल जो मुद्दे हैं, इनका समाधान होना चाहिए। और कैसे होगा समाधान? आपके पास भी कुछ उपाय होंगे, कुछ सुझाव होंगे, किस तरीके से होना चाहिए महंगाई के लिए? कि केंद्र सरकार जो है वो एक तो ये है कि हम रोज़गार के अवसर पैदा करें। युवाओं को जो है नंबर एक रोज़गार चाहिए और शिक्षा चाहिए, और रोज़गार के साथ साथ जो है उनको जो है नौकरी चाहिए। आज जो है हमारा जो देश जो है जो 1947 में चाइना और हमारा की जो अर्थव्यवस्था बराबर थी, और कई क्षेत्र में हम चाइना से आगे थे, कृषि में भी और उद्योग में भी। लेकिन आज जो है भारत जो है वो पिछड़ता ही चला जा रहा है। और आज भारत को एक जो है अपनी जो के फिस्कल पॉलिसी और जो के मॉनिटरी पॉलिसी है, इसकी जो है जांच करना चाहिए, अपनी जो समीक्षा करना चाहिए। और जो हमारा जो वैल्यू जो हमारे रुपए की जो कीमत जो वो घटती चली जा रही है, तो हमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो के उतार चढ़ाव आते ही रहता हैगा अर्थव्यवस्था में, और इसका प्रभाव हर देश के ऊपर पड़ता है और हमारे देश के भी ऊपर पड़ रहा है। तो हमारे देश को आज इस समय हमारा देश जो है 130 करोड़ का एक टीम इंडिया पूरा भारत है। इस भारत को एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ एकजुट होकर जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, इसको दूर करने के लिए सारे देश की जनता को आना चाहिए।
और इसके लिए मैं जो कि जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, जनता दल यू है, या सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीआईएम है, इन सबको जो है एक जो है समाजवादी पार्टी है। यहाँ के कुछ पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर पर हैं, कुछ प्रदेश स्तर में, लेकिन इन पार्टियों को एक मत होना चाहिए। और हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसके जो के प्रदेश हैं वो संसार के देशों से बड़े बड़े, कई ज़िले संसार के देशों से बड़े, तो इतने बड़े देश के अंदर हमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच बनाना पड़ेगी। और मैं अच्छा बात कर रहे हैं आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के अधिकार हैं, मानव हर प्रकार से है, उनके राइट्स हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो महिलाओं के राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने राइट्स को जान नहीं पाती हैं, उनसे वंचित रहती हैं और शोषण का शिकार होती रहती हैं, उनके लिए क्या आपकी संस्थाएं कर रही हैं? देखिए, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के संविधान में जो लिखा हैगा सामाजिक आर्थिक न्याय जो है वो बराबर होना चाहिए, और उसमें जो है महिलाओं के साथ जो है हमेशा अत्याचार होता है। और आज भी हमारा देश आज आज़ादी के जो के 72वीं हमारे आज़ादी को 72 साल हो गए, लेकिन आज भी घर के अंदर पहले कहा जाता है लड़के खाना खाने, बाद में लड़की खाना खाएगी, यानी बेटों को तो पहले खाना दिया जाता है, बेटी को बाद में। तो आज जो है हमें देश में जो है एक नई रूपरेखा और दिशा लाने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल आज ही के दिन 2018 और 2019 की अगर हम तुलना करें तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग में हमारा भारत 2018 में 4.9% था, लेकिन आज 2.1% है। इसके अलावा माइनिंग के ऊपर देखें तो 6.9% था, आज -1.0% है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर सप्लाई और अदर सर्विसेज पर देखें तो हम जो है 6.5 थे पिछले साल आज ही के दिन 2018 में, लेकिन आज 3.6 आ गए। और हमारा कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन में हम पिछले साल आज के दिन 8.5% थे, आज 3.3% आ गए। और अगर हम ट्रेड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में देखें तो आज ही के दिन हम 6.9% थे, लेकिन आज 4.8% आ गए। और जो फाइनेंशियल और जो प्रोफेशनल सर्विस में थे हम जो थे 7.0% थे, और आज जो है 5.8% आ गए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस में हम 8.6% थे, लेकिन 11.6 आ गए। तो इसमें हमने वृद्धि भी करी है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। ज़रूर हमारा भारत का जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिरा है, लेकिन गिरने के बाद भी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है संसार के और देशों में देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है सक्षम है, सामाजिक आधार पर स्वस्थ है, आर्थिक आधार पर, और स्थायी है राजनीतिक आधार पर। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी और देश में इतने जो के शोषण इतना अत्याचार होने के बाद भी, और मैं प्रदर्शनकारियों से खास करके ये अपील करूंगा सभी प्रदर्शनकारियों से कि वो जो है देश में जो है एक सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव के इन सरकार को दें। और जो तोड़ा फोड़ी की जो रास्ता है जैसे बसें हैं या गाड़ियां हैं, ये रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि ये जो संपत्ति है जो हमारे देश की है, और हमारे देश का अगर एक एक रुपया भी अगर बेकार जाता है तो वो हमारे देश का पैसा बेकार गया, एक रुपया। और इसलिए हम देश की जनता से ये अपील करेंगे कि हम जब 2022 में आज़ादी की 75वीं जो के सालगिरह मनाएंगे तो मैं देश के हर नागरिक से कहूँगा कि आप पानी बचाना है, पानी को जो है बचाइए अधिक से अधिक,
इसकी और जो है बिजली बचाने की जो है व्यवस्था कीजिए, ताकि हमारा देश जो है एक नई रूपरेखा और दिशा दे सके। और आपका चैनल जो खोज खबर एक बहुत अच्छा चैनल है और जो कि जटिल से जटिल मुद्दों को उठाता है, तो मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से के और राष्ट्रपति जी से कि वो आपके चैनल को अपने सेलेक्ट मीडिया में जगह दें। और इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हमें जो हमारा जो संविधान है, आज जो सारी जो समस्याओं की जो जड़ जो है वो हमारा संविधान है, और इस संविधान से लोग जो है इसकी जो डिक्शनरी है इससे अपने अपने हिसाब से जो एक डिक्शनरी के एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसका जो है अलग अलग मायने लेके संविधान की रूपरेखा और दिशा बनाते हैं। असल बात है कि ये जो संविधान है ये देशवासियों का संविधान है और भारत के लोगों का संविधान है, और भारत के लोगों को जब भी कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है और वो कहता है कि हम इस भारत का संविधान है इसके ऊपर सच्ची निष्ठा करें रखेंगे, और देश का हर नागरिक जब जन्म लेता है तब भी वो संविधानी की निष्ठा पर वोट देता है, संविधानी की निष्ठा से यहाँ रहता है, तो इस संविधान का जो पहला आर्टिकल है इसमें लिखा है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं, खास करके प्रधानमंत्री जी से, कि आप इसको करें इंडिया इज ए यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स एज वेल एज ऑल यूनियन टेरिटरीज एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। हमारे पूरे संविधान के अंदर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक स्वतंत्र गणराज्य नहीं लिखा है, जो कि बहुत आवश्यक है। और एक बात हम और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें आर्टिकल 51A में जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें केंद्र सरकार प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वो अपने पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन करें। उस सम्मेलन में आर्टिकल जो 51A है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें सेव सिविल लिबर्टीज एंड सेव रूल ऑफ लॉस को शामिल किया जाए, ताकि देश का कोई भी नागरिक जो हमारा जो के हमारी जो संपत्ति है उसका जो है गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इसके अलावा अभी दिल्ली में जो के दिल्ली में अभी चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव में हमने तो हम देखिए हमने अभी जो दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं उसमें राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम दिया है और इसमें हमारे सभी साथी हैं, और इसकी एक कॉपी हमने जो चुनाव निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनको भी दी है। और हमने उसमें कहा है कि जो ये जो मिसयूज जो रेवेन्यू है भारत सरकार का उसको जो है हमारे राष्ट्रपति जी दिल्ली के मुख्यमंत्री को रोके, और इसी के साथ साथ स्टेट कंटीजेंसी और यूनियन स्टेट कंटीजेंसी और स्टेट कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है जो केजरीवाल अपने चुनाव में लगा रहे हैं वो जो है केंद्र सरकार जो है हम राष्ट्रपति जो हमने कहा है वो उनको रोके। और इसके अलावा राष्ट्रपति जी जो हैं ना ही सिर्फ दिल्ली बल्कि बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं और पश्चिमी बंगाल में भी चुनाव आ रहे हैं, इन सारे मुख्यमंत्रियों को ये संदेश दें कि वो लोग जो हैं स्टेट कंटीजेंसी और स्टेट कंसोलिडेटेड फंड का पैसा अपने चुनाव में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के हर बस स्टॉप पे पहले लगाया था अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, अब दिल्ली के हर बस स्टॉप पर लिखा है अच्छे होंगे 5 साल फिर केजरीवाल। तो हम कहेंगे कि हम अपने राष्ट्रपति जी से कहेंगे कि वो इसके ऊपर जो है गंभीरता से आईबी इंटरनेशनल ब्यूरो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एनालिसिस बिंग रॉ जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है और ये दो जो एजेंसियां हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ऑटोनोमस हैं, लेकिन एक होम मिनिस्ट्री और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी जो प्रधानमंत्री को हमारे मेमोरेंडम को देकर और इसकी जो जांच कराएं, ताकि
एस्तना का जो है किसी भी चुनाव में कोई मुख्यमंत्री कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड का पैसा गलत इस्तेमाल ना कर सके। और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमाल अब्बास जी, जो कि बहुत हमें अच्छी जानकारी का साझा किया इन्होंने, और काफ़ी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी वो हमें बताई, हम सभी को बताई। को लेकर के आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, खोज खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शायद खोज खबर को फिर धन्यवाद देता हूँ, जो कि देश देश में जो है एक नई रूपरेखा और दिशा पैदा कर रहा है, और हमें आशा है कि ये जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा चैनल बनेगा। थैंक यू। तो आके खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को लगातार सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।